तो जैसे कि हमने पेट्रोल भी भरवा लिया, तो अभी हम निकलने के लिए रेडी हैं महाबलीपुरम। और ये हमारी ट्रैवल ग्रुप पल्सर, ऐसे जाएंगे हम। सो अभी हमने इसमें 300 रुपये का पेट्रोल भरा है, देखते हैं। और पहले भी थोड़ा मैंने भरा रखा था 200 का। अगर आप चेन्नई में हैं और अगर आप महाबलीपुरम नहीं गए तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि चेन्नई के सबसे पास में और सबसे अच्छी जगह महाबलीपुरम ही पास है। नहीं है, दूर है वैसे तो, दूर है पर वैसे, जाना मतलब ज़रूरी है, तो चलिए चलते हैं। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा देर का हमने हॉल्ट ले लिया, क्योंकि बारिश हो रही है और रात का भी 4:08 हो गया। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम महाबलीपुरम पहुंच गए हैं। तो अभी हम शिशोर टेंपल जाने वाले हैं, और अभी टाइम हो चुका है 5:36। महाबलीपुरम फेमस है अपने शिशोर टेंपल के लिए, जहाँ पे बीच और एक टेंपल साथ में, बहुत ही अद्भुत नज़ारा आता है वहाँ। अभी आपको कुछ ही पल में दिखाने वाले हैं, एक सबूत देना चाहूँगा। यहाँ आप रेत देखिए। तो हम आ गए हैं महाबलीपुरम, और जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो महाबलीपुरम बीच। और उस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ आप देखिए, वहाँ पे एक मंदिर है जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, शोर टेम्पल। और टेम्पल के जस्ट साइड में आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही पीसफुल ये ओशन, और जैसा कि उम्मीद थी उससे भी बेहतर, काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छा, आँखों को शांति देता हुआ है बीच। और ये मंदिर का टाइम है 6 बजे ये खुलेगा, बट जनता का आना, फैमिलीज का आना ज़्यादातर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे फैमिलीज बैठी हैं, और काफ़ी लोकलाइट्स आ रहे हैं, चेन्नई से लोग आते हैं, और बहुत पीसफुल बीच है जैसा कि नज़र आ रहा है और जैसा लग रहा है। और सामने अपना एक शेरा घोड़ा, टीपू सुल्तान वाला तो नहीं है पर। और इस मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसकी गिनती होती है यूनेस्को द्वारा, दिस इज द वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को टेम्पल। एंड प्लीज कैमरामैन, आई रिक्वेस्ट नॉट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इज गुड। और नज़ारा बहुत ही अच्छा है यहाँ का। दोस्तों, मंदिर हमने घूम लिया है, तो अभी आगे का सफर तय करना है, तो चलिए चलते हैं। और साथ ही हमने बीच भी घूमा है जो मंदिर के साथ ही था, तो चलते हैं अभी दूसरी जगह। थोड़ी दूर में हम यहाँ पर ही पहुँच गए हैं, तो ये रहा अपना इलाका पीछे मेरे बैक साइड में। ये वाला भी नहीं है। देखिए किस तरह से स्टेबल है।